हमारा आज का टॉपिक है सल्फामिथॉक्सिजोल। सल्फामिथॉक्सिजोल का जो सिंथेसिस है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट होता है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। तो यहाँ पे हम पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का क्या करेंगे, 3-अमीनो-5-मिथाइल आइसोक्सिजोल से रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे कंडेंजेशन प्रोसेस होगी, तो HCl रिमूव हो जाएगा, H यहाँ से और Cl यहाँ से कंबाइन होकर HCl रिमूव हो जाएगा। उसके बाद SO2 के बाद यहाँ पे HN के साथ ही पूरा स्ट्रक्चर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अटैच हो जाएगा तो सल्फोमिथॉक्सिजोल का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस है बहुत ईजी है, कैसे होता है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन 3-अमीनो-5-मिथाइल आइसोक्सिजोल से होता है। तो यहाँ कंडेंजेशन प्रोसेस होगी, तो ये प्रोसेस से हमारा सल्फामिथॉक्सिजोल का फॉर्मेशन होगा।